हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डू लेक्चर ऑन चैप्टर 1 क्लास 7 साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। टुडे वी विल डू एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? आंसर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स need food for the general growth and maintenance of their body. Food gives them energy to carry out life processes such as respiration, digestion, transportation, excretion, etc. Food provides resistance against diseases and infections. हमारे सामने क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिजम्स फूड क्यों लेते हैं? आंसर है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई जैसे मनुष्य हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनको फूड अपनी जनरल ग्रोथ और बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए। फूड जो होता है वो जीवन में कई लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उनको पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें फूड से मिलती है। और लाइफ प्रोसेसेस हो सकते हैं जैसे सांस लेना, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। फूड हमें बीमारियों से, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन टू, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉफ। आंसर, पैरासाइट्स, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, ब्रेक्ट होस्ट एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट। Saprotrophs, these are the organisms that obtain their food from the dead and decaying organic matter. They do not require any host. Parasites जो होते हैं वो ऐसे organisms होते हैं जो दूसरे organisms की body के अंदर या body के ऊपर रहते हैं और उसी दूसरे organism से ही वो food को प्राप्त करते हैं। जबकि जो saprotroph होते हैं वो ऐसे organisms होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड प्राप्त करते हैं। उनको किसी होस्ट की जरूरत, यानी कि दूसरे किसी जीवित ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती। पैरासाइट्स हार्म द बॉडी ऑफ द होस्ट। ऑन द अदर हैंड, सेप्रोट्रॉफ्स आर क्लीनिंग एजेंट्स एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। पैरासाइट्स जो होते हैं वो जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर रहते हैं या उसकी बॉडी पर रहते हैं उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ जो सेप्रोट्रॉफ होते हैं वो क्लीनिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको खत्म करते हैं। और इसलिए ये इकोसिस्टम के लिए सेप्रोट्रॉफ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पैरासाइट्स की एग्जाम्पल्स हैं कैस्क्यूटा एंड अमरबेल जो कि ट्रीज पर होती है, fleas and ticks that live on the dogs and cats are also examples of parasites. Dusri taraf, if we talk about saprotrophs, the examples of saprotrophs are fungi, water moles and some bacteria. Third question, how would you test the presence of starch in leaves? Ab humne leaves mein स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट करना है, वो टेस्ट कैसे करते हैं? आंसर, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। हीट ए प्लांट लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 30 सेकंड्स, दिस स्टॉप्स इट्स केमिकल रिएक्शन। हीट इट इन बॉइलिंग इथेनॉल फॉर ए फ्यू मिनट्स, दिस रिमूव्स मोस्ट ऑफ इट्स कलर। वॉश दिस प्लांट लीफ विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन to a white tile. Add iodine solution from a dropping pipette. After a few minutes, if leaf becomes blue-black in color, it proves the presence of starch in the leaf. हम जो leaves में starch को present को prove करना चाहते हैं, उसको test करने के लिए हम iodine test कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक plant का leaf लेकर उसको 30 seconds तक एक पानी में उबालना है। इससे जो केमिकल रिएक्शन है लीफ का वो खत्म हो जाएगा और बाद में उसी
जो लीफ को हमने बॉइलिंग इथेनॉल में कुछ मिनट्स तक डालना है, इससे जो लीफ का ज्यादातर कलर है वो खत्म हो जाता है। अब हमने उसी लीफ को, पत्ते को पानी से धोकर एक वाइट टाइल पर रख देना है, और बाद में उस लीफ पर हमने थोड़े पिपेट के ड्रॉपिंग पिपेट के थ्रू आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे उस लीफ पर डालनी है। कुछ मिनट पर अगर वही पत्ते का रंग ब्लू ब्लैक हो जाए कलर में, तो ये प्रूव करता है कि लीफ के अंदर स्टार्च है। अब क्वेश्चन 4, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेंसेस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। अब हमने ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसको ब्रीफली डिस्कस करना। आंसर, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट। वाटर एंड मिनरल्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू टाइनी पोर्स इन द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, और इस भोजन को बनाने के लिए उनको किन सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है या किन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके अलावा उन्हें चाहिए सनलाइट और क्लोरोफिल। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, वो क्या है कि क्लोरोफिल जो होता है, जो पत्तों में पाया जाता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है, और जो प्लांट है वो धरती में से, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके उनको लीव तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हवा से, एयर से ली जाती है, और वो हवा कैसे लेते हैं जो है, वो लीफ पर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो लीफ पर रहता है, और ऑक्सीजन हवा में रिलीज हो जाती है। अब ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, वेदर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन द लीफ और इन एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। द आंसर इज, ये सिर्फ, दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, बिसाइड्स लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में भी होता है फोटोसिंथेसिस, जैसे ग्रीन स्टेम्स हो गए या ग्रीन ब्रांचेस हो गए। अगर हम डेजर्ट्स की बात करें, रेगिस्तान की बात करें, तो वहां पर जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो एक स्पाइन लाइक होते हैं या स्केल लाइक होते हैं, और वहां पर इवेपोरेशन को कम करने के लिए उन पत्तों की शेप जो है वो ऐसी होती है। और इन प्लांट्स के जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वहां पर ग्रीन स्टेम्स होती है जिनसे कि फोटोसिंथेसिस होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 5 कि हमने, वी आर टू शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। कि प्लांट्स जो होते हैं वो सभी के लिए अल्टीमेट सोर्स है फूड का। आंसर है, ये हमारे सामने, देयर इज अ स्केच दैट फर्स्ट द ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड देन दिन ग्रीन प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोरस, एंड दीज हर्बीवोरस आर कंज्यूम्ड बाय कार्निवोरस। इफ ग्रीन प्लांट्स और हर्बीवोरस और कार्निवोरस डाइज एंड डिकेज, दीज आर अल्टीमेटली द फूड फॉर सेप्रोट्रॉप्स एंड डीकम्पोजर्स। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सूरज की रोशनी को ट्रैप करते हैं, और इन ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोरस कंज्यूम करते हैं, और इन हर्बीवोरस को कार्निवोरस कंज्यूम करते हैं। अगर ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोरस या कार्निवोरस में से किसी की भी डेथ होती है, तो इनको डीकम्पोज करने के लिए सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। और इस पिक्चर में, दिस पिक्चर शोज
that the plants are the ultimate source of food for herbivorous or carnivorous or saprotrophs. Next, we will do fill in the blanks. Green plants are called dash since they synthesize their own food. If any organism prepares its own food, it is called autotroph. Here, the green plants synthesize their own food, so they are called autotrophs because they prepare their own food in the presence of sunlight with the help of carbon dioxide, water, and others. Next, the food synthesized by the plants is stored as starch. जो plants food synthesize करते हैं उनको starch के रूप में store करते हैं. In photosynthesis, solar energy is absorbed by the pigment called chlorophyll. जो leaves का रंग हरा होता है, green color होता है, वो green color इसलिए होता है क्योंकि उनमें chlorophyll होता है और इसी chlorophyll की help से जो solar energy को absorb करते हैं plants जो होते हैं. Next है, during photosynthesis, plants take in dash and release dash gas. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and release oxygen, as has been shown in the previous picture. The leaves are taking carbon dioxide and the oxygen is being released. Next question 7. Name the following. A parasitic plant with yellow, slender and branched stem. Cascuta. It is also called amarbale in India. Next, a plant that is partially autotrophic. Answer is pitcher plant, which is an insectivorous plant. Let us also read a few lines on the pitcher plant. Pitcher plant get their energy by photosynthesis plant. But they also eat insects because pitcher plant grows on the soil, which is low in nutrients. These plants get the needed nutrients from their prey. Pitcher plants जो होते हैं वो photosynthesis के द्वारा भी अपना कुछ food बना लेते हैं, पर क्योंकि वो ऐसी soil पर grow करते हैं जिसमें nutrients की कमी होती है, इसलिए उन nutrients की कमी को पूरा करने के लिए ये जो pitcher plants है वो insects को अपना food बनाते हैं. Next है, the pores through which the leaves exchange gases are called stomata. जो leaves होते हैं, leaves के ऊपर या नीचे या दोनों तरफ एक छोटे-छोटे pores होते हैं, जिनकी मदद से gases को exchange किया जाता है, यानी कि intake of carbon dioxide and release of oxygen gas. Next है, question 8, pick the correct answer. Cascuta is an example of, Cascuta किसकी example है? Cascuta is the example of parasite. Here is a few line for understanding. Cascuta plants are yellow, orange or red color. They are rarely green in color. They are parasitic plants. Some 15 to 20 Cascuta species worldwide are serious pests that can cause up to 80% yield loss in many crops. Cascuta plants जो होते हैं वो कई colors में हो सकते हैं, जैसे yellow color हो सकता है Cascuta plant का, या orange या red हो सकता है. कभी कभी जो Cascuta plants हैं वो green color के भी हो सकते हैं. ये parasitic plants होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये किसी दूसरे प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. दुनिया भर में 15 से लेकर 20 स्पीशीज ऐसी पाई जाती हैं जो कि सीरियस पेस्ट हैं और वो किसी भी क्रॉप का 80% तक प्रोडक्शन जो है वो खराब कर देती हैं. नेक्स्ट है 8B, द प्लांट व्हिच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज कॉल्ड पिचर प्लांट. वो प्लांट जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके
खा लेता है उसको पिक्चर प्लांट कहते हैं। पिक्चर प्लांट की एक पिक्चर आपको थोड़ी सी बनाकर दिखाते हैं कि ये एक पिक्चर शेप प्लांट होता है और इसके ऊपर एक लिड भी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई भी इंसेक्ट आकर यहाँ पर बैठता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर कलर के होते हैं, दीज प्लांट्स आर वेरी अट्रैक्टिव सो फार एज देयर कलर इज कंसर्न, द इंसेक्ट गेट्स अट्रैक्टेड टुवार्ड्स दीज प्लांट्स एंड व्हेन द इंसेक्ट सिट्स ऑन दिस प्लांट इट गेट्स फिक्स्ड बिकॉज देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स और अदर डिजेस्टिव जूसेस, द इंसेक्ट कैन नॉट लेट इट सेल्फ गो फ्रॉम द प्लांट। जब कोई इंसेक्ट इन प्लांट्स पर बैठता है तो वो अपने आप को फिर दूर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो जो प्लांट है उसको पकड़ लेता है, उसमें कुछ चिकनाहट भरी चीज होती है जो उसको दोबारा उड़ने नहीं देती या कहीं और जाने नहीं देती। और थोड़े समय बाद आफ्टर सम टाइम द लिड ऑफ द प्लांट क्लोजेस एंड द इंसेक्ट फॉल्स इन दिस पिक्चर एंड वेयर डिजेस्टिव जूसेस आर ऑलरेडी प्रेजेंट एंड विद द हेल्प ऑफ दीज डिजेस्टिव जूसेस द इंसेक्ट गेट्स कंज्यूम बाय द प्लांट। पिक्चर प्लांट्स आर कार्निवोरस प्लांट्स एंड कॉमनली ईट आंट्स फ्लाइज बैट्स एक्सेट्रा। लार्ज पिक्चर प्लांट्स में इवन ईट स्मॉल फ्रॉग्स रोडेंट्स एंड लिजर्ड्स। पिक्चर प्लांट्स हैव मॉडिफाइड लीव्स नोन एज पिटफॉल ट्रैप्स, ए प्रे फॉलिंग प्रे ट्रैपिंग मैकेनिज्म फीचरिंग ए डीप कैविटी फिल्ड विद डिजेस्टिव लिक्विड। नेक्स्ट वी आर टू मैच कॉलम वन बिल विद कॉलम टू। फर्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पर पाया जाता है? क्लोरोफिल इज फाउंड इन दी लीव्स। देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय रिजोबियम बैक्टीरिया। कैस्क्यूटा इज ए पैरासाइट, इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स। एनिमल्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, सो दे आर हेटरोट्रॉप्स। पिक्चर प्लांट्स ईट द इंसेक्ट्स सो इट इज कनेक्टेड देयर। लेट अस रीड ए फ्यू लाइन्स व्हाई वी हैव हाउ वी हैव मैच दीज टू कॉलम्स। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट्स लाइक कैस्क्यूटा आर पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। रिजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम पीज मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। दे टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म एंड प्रोवाइड दिस नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। वैसे तो हमारे एटमोस्फेयर में बहुत सी नाइट्रोजन पाई जाती है, बट द प्लांट्स कैन नॉट टेक द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर बिकॉज इट इज नॉट इन दैट फॉर्म विच इन विच दे कैन कंज्यूम। प्लांट्स कैन ओनली टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। एज वी गो ऑन प्रोड्यूसिंग वन क्रॉप और द अदर क्रॉप वन आफ्टर द अदर, द सोइल बिकम्स डेफिशियंट इन नाइट्रोजन। सो दिस डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इज फुलफिल्ड बाय द रिजोबियम बैक्टीरिया व्हिच लिव्स इन द रूट्स ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड दे कन्वर्ट द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए फॉर्म इन विच इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरोस मीन्स अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मार्क टी ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसेंसिस। एज वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसेंसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाई द प्लांट्स एंड द प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन गैस। सो हियर द आंसर इज फॉल्स। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस। दे प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम the outer environment and release oxygen to the environment. Next question, question 10 part 2, plants
which synthesize their food are called cephalotrophs. We have already discussed in question number 2 that cephalotrophs are those organisms which depend on their food for dead and decaying organic matter. So they cannot prepare their own food. So here our answer is false. Cephalotrophs are those organisms which grow and depend on dead and decaying matter. Example of cephalotrophs are fungi, mushrooms. Green plants which synthesize their own food are called autotroph. जो plants अपना food आप बनाते हैं, prepare करते हैं, उनको autotrophs कहते हैं, उनको cephalotrophs नहीं कहते. Now we come to the question 10, part 3. The product of photosynthesis is not a protein. Answer is true. Green plants prepare food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, and the end products produced in this process are glucose and oxygen and not protein. So our answer is true. The product of photosynthesis is not protein, but the end products are glucose and oxygen, which are produced during the process of photosynthesis. Question 10, part 2. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. Answer is true. Photosynthesis is the process in which solar energy is converted into chemical energy in the form of sugars. Now we come to question 11. Choose the correct option from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from air for photosynthesis? Photosynthesis ke duran plants ka wo kaun sa part hai jo carbon dioxide air se leta hai? Answer hai stomata. These are the small pores which are present on the leaves. Let us read some other few lines regarding this. Plants take in carbon dioxide from air through tiny pores in the leaf called stomata. In most broadleaf plants, ये आपको question आ सकता है कि stomata जो है वो leaf के एक तरफ ही होते हैं कि leaf के दोनों तरफ पाए जाते हैं? ये छोटे छोटे जो pores हैं वो leaf के दोनों तरफ होते हैं क्या? तो answer है कि in most broadleaf plants, stomata occur only in the lower surface of the leaf. But in narrow leaved plants, the stomata are equally distributed on the both sides of the leaf. अगर narrow leaved plants है तो लीफ के दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों की तरफ जो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लीफ के ऊपर होते हैं और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर leaves. Here the option of stomata is not given. Here leaves have been given. The stomata are present on the leaves, so here the correct option is leaves. Plants take in carbon dioxide from air through tiny pores which are present on the leaf. Next question is 13. Why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses, and what are the advantages to the farmers? हमारा question है कि कई farmers जो होते हैं वो कई तरह के fruits और vegetable crops को केवल green large greenhouses के अंदर ही grow करते हैं. ऐसा grow करने से उनको क्या advantages होती हैं? Answer है, farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses because greenhouse provide favorable climatic conditions such as temperature, light, which is required for the proper growth of those fruits and vegetable crops. The farmers get many advantages by growing crops in these greenhouses. The farmers have control over climatic conditions such as temperature, humidity, etc. It protects the crops from adverse climatic conditions such as high temperature,
heavy winds. Crops are also protected from birds, animals, rodents. So the farmers have good yield of crops. अब हमारा आंसर है कि फार्मर्स जो हैं वो कई तरह के फ्रूट्स को, वेजिटेबल क्रॉप्स को लार्ज ग्रीन हाउसेस में इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि ग्रीन हाउसेस के अंदर जो टेम्परेचर है, लाइट है, वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है और जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के लिए चाहिए वो उनको प्रोवाइड की जा सकती है। इन ग्रीन हाउसेस में हम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रीन हाउसेस में वेजी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो इससे हम हैवी विंड्स से भी अपनी क्रॉप्स को बचा सकते हैं। और दूसरी तरफ क्रॉप्स को ग्रीन हाउसेस में ग्रो करने का ये भी एक एडवांटेज है कि हम अपनी क्रॉप को बर्ड से, एनिमल से और रोडेंट से बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि फार्मर की क्रॉप जो है वो ज्यादा यील्ड देती है और क्रॉप की बंपर फसल होती है। इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।